तो लास्ट लेक्चर में आपको कुछ टॉपिक हमने बताया था, जिसमें विंडो ऑब्जेक्ट के कुछ फंक्शंस बताया था, और रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए आपको प्रॉम्प्ट फंक्शन और कन्फर्मेशन बॉक्स बताया था आपको पिछले लेक्चर में। देखते हैं, ओपन हो जाए। हाँ, तो कुछ फंक्शंस को हम लोगों ने कवर किया था, जिसमें अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म। प्रॉम्प्ट की मैं अगर बात करूँ तो आपने देखा था कि रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करते हैं, और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉम्प्ट में क्या प्रॉब्लम था कि ये आपने इसको रन किया था तो ये रन टाइम पे एक बॉक्स आ रहा था, और बॉक्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स आ रहा था, और यहाँ से इनपुट आप ले पा रहे थे। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे खुद का टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और उससे इनपुट लेना है, तो क्या करेंगे हमें, ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो आ रहा है ये रन टाइम पे एक बॉक्स के अंदर आ रहा है, लेकिन मुझे खुद का टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और उससे इनपुट लेना है, उससे वैल्यू को गेट करना है, उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे अब क्या करना है कि यूजर से इनपुट लेना है, लेकिन हमें खुद का टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, उससे इनपुट लेना है, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए देखो बहुत सारे, आपको पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि पहले डॉम एक्सेसिंग देखना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या करना है, खुद के टेक्स्ट बॉक्स से आपने टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू इनपुट कराया उसके वैल्यू को गेट करना है, कैलकुलेट करना है। तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसको सेलेक्ट कैसे करोगे, उससे वैल्यू को गेट कैसे करोगे। तो देखो गेट करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा तरीका आपको मैं बताऊंगा। अगर मैं नोट्स पे आऊँ, नोट्स पे फिर से यहाँ पे आता हूँ, तो टेक्स्ट बॉक्स से इनपुट लेना है, तो बहुत सारे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे बनाया इनपुट, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, मैंने बनाया यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, और ये, और इसमें मैंने इनपुट कराया 50, तो मुझे एक इसकी वैल्यू, ये 50 मुझे एक वेरिएबल पे चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू को गेट करना है। तो वैल्यू को गेट करने से पहले उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको डॉम क्या होता है, यानी कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जितने भी आप ये डॉक्यूमेंट बनाते हो, एचटीएमएल के पेज बनाते हो, उसके पूरे को बोलते हैं डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर जितने टैग्स होते हैं, जितने भी टैग आप यूज करते हो इस पेज के अंदर जितने आप टैग यूज करोगे उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट बोलते हैं पूरे पेज को, डॉट एचटीएमएल वाले को, और उसके अंदर जितने टैग हैं उसको जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में आप बोलोगे ऑब्जेक्ट। तो पहले तो मुझे वैल्यू को गेट करना है, तो पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज करो मुझे अभी वैल्यू गेट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, किसी डिवीजन पे बटन पे क्लिक करने पे स्टाइल लगाना है ना। पहले एग्जांपल देखो तो क्लियर होगा, मैं देखूं एक बार, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो हाँ चलो आते हैं, पेज पे आते हैं। हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया एचटीएमएल, हेड सेक्शन बॉडी सेक्शन एंड बॉडी की क्लोजिंग, ठीक है। इसको सेव कर लिया, हमने सेव कर लिया डेस्कटॉप पे, जावास्क्रिप्ट एंड एक्माईस्क्रिप्ट डेमो 11, ये 12.html, डेमो 12.html। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने एक यहाँ पे h1 टैग बनाया। चलो इनपुट लेने से पहले हमें क्या करना है कि एलिमेंट को सेलेक्ट करना, देखना है कि एलिमेंट को सेलेक्ट कैसे करोगे आप। तो h1 टैग बनाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ html या जावास्क्रिप्ट, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट। और एक हमने यहाँ पे बटन बनाया, ठीक है, या बटन रहने देते हैं, एक मिनट, हाँ बटन रहने देते हैं। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो h1 टैग है इस पे स्टाइल लगाना है। हम चाहते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करना और इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, इतना सा मुझे करना है, इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करना, उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना। तो देखो इसी के नीचे मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाया, इसके लिए हमें कोड लिखना है, तो मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लगाया। हमें क्या करना है, एच वन टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है इसके कलर को चेंज करना, टेक्स्ट के कलर को चेंज करना और बैकग्राउंड कलर को चेंज करना, इस पे स्टाइल लगाना है, लेकिन स्टाइल जावास्क्रिप्ट का यूज करके लगाना है, सीएसएस का यूज करके नहीं लगाना है ना। तो सीएसएस का यूज करके नहीं लगाना, जैसे सीएसएस का यूज करके आप सीएसएस अप्लाई करते थे तो क्या करते थे, पहले उसको सेलेक्ट करते थे सेलेक्टर का यूज करके, यानी कि h1 को css देना है, आईडी नहीं है, क्लास नहीं है, h1 टैग है, तो टैग को सेलेक्ट करते थे और उसके लिए css लिखते थे। वैसे ही h1 के लिए जावास्क्रिप्ट लिखना है तो आपको पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसको सेलेक्ट करके तब इस पे स्टाइल लगा सकते हो। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे फंक्शन है, जिसमें से हम लोग अभी देखेंगे, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, क्वेरी सेलेक्टर, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एक एक फंक्शंस को हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन मुझे कवर करना है, यानी कि आईडी के बेस पे किसी एचटीएमएल एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, आईडी के बेस पे, टैग के बेस पे नहीं। अगर टैग के बेस में सेलेक्ट करना चाहोगे तो यहाँ पे आगे आप देखोगे टैग्स नेम यूज करेंगे तो हो सकता है कि पेज के अंदर 10 h1 टैग हो जाए, तो वो क्या करता है कि गेट एलिमेंट एलिमेंट्स बाय टैग नेम
एरे फॉर्मेट में आपको डेटा देता है। तो अभी एरे आप नहीं पढ़े हो तो उसको हम बाद में बताएंगे। गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम भी यूज करोगे तो वो भी हो सकता है कि एक पेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं तो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो भी गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम भी वो एरे के फॉर्मेट में आपको डेटा रिटर्न करता है। तो हमें क्या करना है, अभी देखना है केवल एक फंक्शन गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी के बेस पे एलिमेंट को सेलेक्ट करना भी देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आते हैं, इस पेज में आते हैं, मुझे फंक्शन कवर करना है कौन सा, गेट एलिमेंट। मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट में अगर कोई भी फंक्शन वेरिएबल आप कुछ भी बनाते हो, फंक्शंस हैं, तो ये कैमल केस में डिफाइन होता है। कैमल केस का मतलब कि मान लो कि दो वर्ड से बना है, वो फंक्शन दो वर्ड से मिलके बना है, तो पहला इनिशियल लेटर, पहले वर्ड का पहला इनिशियल लेटर स्मॉल और दूसरे वर्ड का सारा यानी कि उसके बाद का जितना वर्ड आएगा उसका पहला यानी कि इनिशियल लेटर जो होगा कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे अब गेट एलिमेंट बाई आईडी ये फंक्शन है, इसको हम लोग देखने वाले। ऐसे बहुत सारे फंक्शन आगे देखोगे, क्वेरी सेलेक्टर, गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम। तो अभी हमको फंक्शन कवर करना है गेट एलिमेंट बाई आईडी, और देखो गेट का जी स्मॉल, एलिमेंट का ई कैपिटल, बाई का बी कैपिटल होना चाहिए क्योंकि केस सेंसिटिव है बताया था, और आईडी का आई कैपिटल होना चाहिए। अब इसका यूज क्यों करते हैं ये देख लेते, गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज क्यों करते हो। तो देखो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट पे आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, कुछ भी सीएसएस अप्लाई करना है, कोई भी आपको बटन पे क्लिक करने पे सीएसएस अप्लाई करना है, उसके टेक्स्ट को चेंज करना है, उसके वैल्यू को गेट करना है, टेक्स्ट को गेट करना है, यानी कुछ भी आप उस पे एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए आईडी के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को आईडी के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए आप गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करते हो, गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करते हो। क्या मैसेज कर रहे हो? हाँ, तो चलो, तो गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करते हैं। गेट एलिमेंट बाई आईडी फंक्शन इज यूज्ड टू सेलेक्ट एचटीएमएल टैग, एचटीएमएल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। आईडी के बेस पे किसी एचटीएमएल एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हो तो क्या यूज करोगे, गेट एलिमेंट बाई आईडी फंक्शन का। अब बात ये करते हैं, जैसे आपने विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को कवर किया था और कुछ फंक्शंस को हमने बताया था, बाकी फंक्शंस को भी अभी डिस्क्राइब करेंगे, उसका भी यूज बताएंगे, लेकिन ये फंक्शन जो गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन है मल्टीपल टाइम यूज होने वाला फंक्शन है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं पहले, ताकि और यूजर डिफाइंड फंक्शन भी देखेंगे अभी, तो इसको पहले देखते हैं। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन, जैसे आपने देखा था कि अलर्ट फंक्शन किस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन था, कंफर्म फंक्शन किस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन था, ऐसे ओपन फंक्शन, लोकेशन फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शन बताए थे, प्रॉम्प्ट फंक्शन किस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन था, यानी कि फंक्शंस प्री कुछ ये प्री डिफाइंड फंक्शन देखा था जो कि विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन था, वैसे ये फंक्शन कहां पे डिफाइन है, ये फंक्शन कहां पे डिफाइन है, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। जब भी आपका ये फंक्शन यूज होगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन जब भी यूज होगा, इसके साथ यूज होगा डॉक्यूमेंट के साथ, यानी कि ये फंक्शन कहां पे डिफाइंड है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन इज डिफाइंड इन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अब देखो इसको आपने ये क्यों यूज करते हो, आईडी के बेस पे एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप ऑफ गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन इज स्ट्रिंग नहीं, करेंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, करेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करने का मतलब जिसकी आईडी पास करोगे वही ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर देगा, यानी कि H1 की आपने आईडी डिफाइन करा, तो H1 जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में आप उसको क्या बोलोगे, जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में उसको बोलोगे ऑब्जेक्ट। मैंने पहले दिन ही बताया था कि जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में आप उसको जितने भी टैग हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलोगे, और जो पेज है उसको बोलोगे डॉक्यूमेंट। तो जिसकी आईडी इस फंक्शन के अंदर पास करोगे उसी का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न टाइप ऑफ गेट एलिमेंट बाई आईडी फंक्शन इज करेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जिसकी आईडी पास करोगे उसका उसी ऑब्जेक्ट को उसी टैग को रिटर्न कर देगा। अब बात ये आती है कि डॉक्यूमेंट क्या है, तो डॉक्यूमेंट भी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट। आपने देखा कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्या है, जैसे विंडो ऑब्जेक्ट था वैसे ही ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, आप खुद का भी ऑब्जेक्ट आगे बनाओगे जिसमें प्रॉपर्टी एंड मेथड डिफाइंड करोगे आगे। मैंने बताया था कल एक छोटा सा सिंटैक्स लिखवाया था कि आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो वेरिएबल इक्वल और कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू यानी की वैल्यू के पेयर में आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, यानी कि उसके अंदर वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो और फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, यानी कि प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो और मेथड डिफाइन कर सकते हो। तो ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट
क्या हुआ? बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, ये क्या है डॉक्यूमेंट? बिल्ट इन ऑब्जेक्ट यानी कि प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, किसका? डॉम का। डॉम का मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम का मतलब, डॉम मीन्स डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। चलो अब इसका सिंटैक्स क्या है, किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स क्या होगा भाई? तो यहाँ पे आप करोगे, यहाँ पे यूज करोगे वेरिएबल। वेरिएबल बना डिफाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हो, वेर, लेट, कॉन्स्ट, बताया मैंने आपको। वेर और वेरिएबल नेम, यानी कि जरूरी नहीं है आपको वैल्यू को गेट करना, सेट करना, दोनों तरीका है। तो सेलेक्ट करने के लिए आप सिंपल करोगे क्या, यानी कि आप बताओ कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, ये फंक्शन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है। तो फंक्शन यानी किसी भी मेंबर यानी कि प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस करने के लिए कल क्या बताया था, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मेंबर डिफाइन है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ऐसे बहुत सारे इसके मेंबर्स आप देखोगे, जैसे क्वेरी सेलेक्टर है, जैसे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम है, क्लास नेम है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस को आप आगे कवर करोगे। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ, आईडी क्या है इसकी, तो आईडी जो भी होगा उसको यहाँ पे आप डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा आईडी, डबल कोट्स क्या है, एज ए स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर आईडी ऑफ HTML element, यानी कि जिस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है उसकी आईडी की वैल्यू इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसकी वैल्यू को गेट करना है, उस पे स्टाइल लगाना, यानी कि सिंटैक्स यही है, ठीक है, सिंटैक्स यही है। ठीक है, तो क्या करना, अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, एग्जांपल की मैं बात करूं, तो चलो यहां पे आता हूं। मैंने क्या करना है, इसकी आईडी, आईडी के बेस पे सेलेक्ट करना है भाई, आईडी के बेस पे सेलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी आईडी डिफाइन करना पड़ेगा, तभी उस पर कुछ आप सीएसएस जो भी एक्शन परफॉर्म करना है कर सकते हो। तो मैंने आईडी दे दिया H1, ये क्या लिखा है बताओ, ये H1 है और ये HL है। तो देखो डिफरेंस, देखो आप नोट करने पे फोकस हो गए तो एरर हो जाएगा, ये क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, ये H1 है, H1 है और ये HL है, वो H1 था और ये HL। तो आप टाइप जब कर रहे हो तो आप ध्यान दो कि आपने क्या लिखा है, अगर आईडी यहाँ पे आपने कुछ और लिखा है और फंक्शन के अंदर कुछ और लिखा है तो प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे कुछ और लिखा है, वहां पे कुछ और लिखोगे तो वो सेलेक्ट ही नहीं होगा। तो ये HL है, देखो डिफरेंस HL है और ये H1 है, ठीक है। तो हमने आईडी दे दी H1 या कुछ भी, हमने आईडी दे दी X दे दिया, अब इसको सेलेक्ट करना है, इसको मुझे सेलेक्ट करना है, समझ पा रहे हो? रवि गौतम, इनर HTML वैल्यू, ये तो वैल्यू को सेट करना हुआ, तुम क्या भेज रहे हो, ये हमें वैल्यू सेट नहीं करना है, हमें टेक्स्ट सेट नहीं करना है, अभी मुझे क्या करना है, स्टाइल लगाना है, ठीक है रवि। तो क्या करेंगे, उसकी आईडी आपको पास करनी पड़ेगी, तो मुझे क्या करना है कि सेलेक्ट करना है, तो मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा बाय आईडी, आईडी क्या है, आईडी डबल कोट्स के अंदर पास करोगे, आईडी क्या है, एक्स है, तो एक्स पास करोगे। इससे क्या होगा, इससे आपका ये पूरा HTML यानी कि टैग, जिसकी आईडी पास करोगे वो टैग आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट हो जाएगा तो मुझे एक वेरिएबल पे मान लो इस टैग को होल्ड करना है, तो मैंने कर लिया कुछ भी, वेरिएबल हमने कर लिया H नाम का हेडिंग, H नाम का वेरिएबल बना लिया। आप वेरिएबल किसी भी नाम का बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि H1 टैग है तो H यूज किया, कुछ भी ABC कुछ भी वेरिएबल बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऑफ X, है ना, X क्या है, जिसको सेलेक्ट करना है उसकी आईडी आप पास करोगे, और उसको मैंने H पे होल्ड करा लिया। होल्ड करा लिया तो देखो मैंने क्या बताया था कि इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, गेट एलिमेंट बाई आईडी फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है, तो करंट ऑब्जेक्ट, जिसकी आईडी पास करोगे, जिसकी आईडी पास करोगे, किसकी आईडी पास किया है, H1 की, वो पूरा ऑब्जेक्ट यानी कि वो पूरा टैग किस वेरिएबल पे आ जाएगा, जिस वेरिएबल पे होल्ड करोगे, किस वेरिएबल पे आएगा बताओ, मैंने एस नाम का वेरिएबल बनाया तो एस पे ये पूरा H1 टैग आपका आ जाएगा, H1 टैग आ गया। मैंने इसको अलर्ट कराना है, चलो अभी मैंने अलर्ट करना है तो मैंने कर लिया अलर्ट ऑफ H, H क्या है H वेरिएबल है जिसपे आपका ये पूरा H1 टैग आ रहा है। तो मैंने क्या बताया, H1 लिख के नहीं आएगा, इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे वो करंट ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप का आएगा। मैंने इसको अलर्ट कराया और रन करता हूँ, देख क्या आया, ऑब्जेक्ट HTML हेडिंग एलिमेंट, यानी कि ये एक हेडिंग का ऑब्जेक्ट आ गया है। मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट पे स्टाइल लगाना है जावास्क्रिप्ट का यूज करके, इस ऑब्जेक्ट पे स्टाइल लगाना है जावास्क्रिप्ट का यूज करके, जावास्क्रिप्ट का यूज करके स्टाइल लगाना है। तो देखो करना क्या पड़ेगा, आप डायरेक्टली स्टाइल लगाने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। अब स्टाइल लगाना है तो उसका तरीका क्या है, तो देखो स्टाइल लगाने के लिए, स्टाइल अप्लाई करने के लिए, जावास्क्रिप्ट का यूज करके स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, तो पहले तो उस ऑब्जेक्ट को
उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी नेम। जैसे मान लो कि हमारा अभी एग्जांपल देखा था कि एक वेरिएबल आपने बनाया था, एक वेरिएबल बनाया था एक्स नाम का, एक वेरिएबल बनाया था एच नाम का, इक्वल एच इक्वल हमें हेडिंग पे स्टाइल लगाना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, गेट एलिमेंट बाई आई डी और आई डी उसकी क्या थी एक्स, वो हेडिंग टैग किस पे आया एच पे, अब एच पे स्टाइल लगाना है तो करना क्या पड़ेगा, इसका सिंटैक्स क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट नेम स्टाइल लगाने के लिए how to apply CSS with JS, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि सिंटैक्स क्या है, ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट जिसको आपने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम का मतलब प्रॉपर्टी नेम का मतलब कि आपका और इक्वल के अंदर इसकी वैल्यू होगी, इक्वल के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे पास करोगे, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब जिसको आप सेलेक्ट करोगे, हमारा ऑब्जेक्ट किस पे आ रहा है एच पे, तो एच पे स्टाइल लगाना है तो क्या करोगे, यानी कि एच डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब सीएसएस की प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ा था, सीएसएस में जैसे बैकग्राउंड कलर लगाना है तो बैकग्राउंड, कलर चेंज करना है तो कलर प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज अप्लाई करना है तो फॉन्ट साइज, ऐसे पैडिंग अप्लाई करना है, मार्जिन अप्लाई करना है, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको सीएसएस में हमने क्लियर कराया था, बताया था, तो हमें चलो अप्लाई करना है सीएसएस, तो हमारा ऑब्जेक्ट किस पे आ रहा है बताओ, हमारा ऑब्जेक्ट किस पे आ रहा है एच पे, यानी कि हमारा जिसको हमने एच टैग को सेलेक्ट किया था, और एच टैग हमारा किस वेरिएबल पे आ रहा है, एच नाम के वेरिएबल पे आ रहा है, तो इस पे हमें कलर चेंज करना है, तो क्या करोगे, एच डॉट सिंटैक्स क्या बताया, एच डॉट स्टाइल डॉट कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए कलर, और यहाँ पे कॉलन और सेमी कॉलन, वैल्यू सेमी कॉलन नहीं होगा, सिंटैक्स में क्या लिखवाया है, क्या बताया, इक्वल से वैल्यू असाइन करोगे, है ना, यानी कि एच डॉट स्टाइल डॉट कलर, और जो भी वैल्यू आपको देना है, आप अगर वेरिएबल होगा तो डायरेक्टली लिख दोगे, अगर आपको डायरेक्टली रेड लिखना है, ग्रीन लिखना है, तो आप एज ए स्ट्रिंग पास करोगे, जैसे हमें कलर को रेड करना है तो मैंने रेड कर दिया, ऐसे ही एच डॉट हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो एच डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, ठीक है, इक्वल हमने ब्लैक करना है तो मैंने कर लिया ब्लैक, लेकिन एक प्रॉब्लम, मुझे बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है तो क्या करोगे, बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है तो क्या सही है, मैंने सभी लोग रिप्लाई करो क्या लिखोगे, बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है तो H1 पे हमें बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है तो क्या करोगे, क्या लिखोगे आप, H डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर, बॉर्डर और रेडियस, बॉर्डर हाइफन रेडियस, ये दो वर्ड से बना है, इक्वल हमने कर दिया मान लो 10 पिक्सल, मैंने बोला था कि जो जिसको बेसिक आइडिया HTML CSS का नहीं है तो ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, मैंने बताया था कि जो भी जिसको भी HTML CSS में प्रॉब्लम है, आप टेक्पाइल का ऐप इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, और वहां से कंप्लीट लेक्चर है HTML CSS का, आप देख सकते हो, ठीक है, बताओ भाई रिप्लाई करिए क्यों, तो क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई बताएगा, रिप्लाई करो क्या प्रॉब्लम है इसमें, देखो हाँ सभी लोग रिप्लाई करो, बॉर्डर पूरा सिंटेक्स लिख के बताओ कि क्या लिखोगे, अगर बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का देना है तो, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का अप्लाई करना है तो क्या लिखोगे आप, रिप्लाई करो, एच डॉट स्टाइल डॉट कलर, बॉर्डर रेडियस, रिप्लाई करिए, बताइए भाई, हाँ चलो यहाँ आते हैं, देखो क्या होता है कि जब भी कोई वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, यानी जो जब भी कोई प्रॉपर्टी दो वर्ड से या तीन वर्ड से मिलके बना है तो क्या करोगे, उसमें हाइफन यूज नहीं करोगे, प्रॉब्लम आएगा, हाइफन के जगह पे आप हाइफन हटाओगे और उसको कैमल केस में लिखोगे, यानी कि इसको लिखोगे क्या, बॉर्डर रेडियस दो वर्ड से मिलके बना है तो लिखोगे बॉर्डर, और हाइफन के जगह पे क्या यूज करोगे आप, हाइफन हटाओगे और उसके जस्ट बाद का इनिशियल लेटर कैपिटल कर दोगे, उसके जस्ट बाद का इनिशियल लेटर क्या कर दोगे कैपिटल, एच डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर रेडियस और पैडिंग, बॉर्डर रेडियस आपने दे दिया 10, वैसे ही मुझे क्या करना है, मुझे पैडिंग अप्लाई करना है या दो वर्ड का कुछ भी अप्लाई करना है ना, पैडिंग टॉप देना है, तो आप वैसे ही जैसे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, बैकग्राउंड भी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है और बैकग्राउंड हाइफन कलर भी है, तो ये है तो क्या ऐसा लिखना सही है बताइए आप, नहीं, क्या करना पड़ेगा, दो वर्ड है तो आप क्या करोगे हाइफन हटाओगे और उसके जस्ट बाद का नीचे लेटर कैपिटल कर दोगे, क्लियर है, इतना सबको क्लियर है अभी, बताओ, हाँ दीपक स्टाइल डॉट वॉटर रेडियस नहीं कैमल केस में लिखना पड़ेगा, रवि गौतम कौन हो तुम, एक ही मैसेज इतनी बार क्यों कर रहे हो, क्लास करना चाहते हो या नहीं, क्यों, चलो ठीक है, हाँ आते हैं, तो सीएसएस अप्लाई करके देखते हैं भाई, यहाँ पे आते हैं एच डॉट हमने लिखा है यहाँ पे, ये यूज कर लेते हैं,
ठीक है, देखो हुआ क्या कि वेर एच एस पे आपका एच वन टैग आया और एच डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड कर दिया, एच डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया, एच डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर रेडियस बॉर्डर भी अप्लाई करना है तो आप क्या करोगे एच डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर बॉर्डर, और कितने पिक्सल का बॉर्डर देना है पहले डिफाइन करते हैं, बॉर्डर का थिकनेस मैंने बताया था, फिर बॉर्डर का टाइप सॉलिड और ग्रीन कलर का बॉर्डर देना है। आप दे सकते हो ग्रीन, यहाँ पे टाइप में कितने वैल्यू यूज होते हैं CSS वाले लेक्चर में बताया था, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू आपको बताया था, सॉलिड डॉटेड डबल डैश एंड ग्रुप है ना, इनसेट आउटसेट ऐसे बहुत सारी वैल्यू यहाँ पे होती है। तो चलो रन कराते हैं, देखो ये आया, हमें टेक्स्ट को सेंटर में करना है, टेक्स्ट को सेंटर में करना है, टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो फिर से क्या कर लोगे एच डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट हाइफन अलाइन, क्या सही है टेक्स्ट अलाइन और वैल्यू पास कर दिया सेंटर, क्या ये सही है? नहीं, क्या करोगे इसको कैमल केस में लिखोगे, कैमल केस में लिखोगे। और यहाँ पे ये गलती ना करना कि सीएसएस है तो कॉलन और सेमी कॉलन से सेपरेट करोगे, ऐसा नहीं करना है, जावास्क्रिप्ट में इक्वल से वैल्यू यहाँ पे असाइन करोगे सीएसएस अप्लाई करने के लिए। ठीक है तो ऐसे कर सकते हो। मुझे क्या करना है कि ये CSS कब अप्लाई करना है, ये CSS कब अप्लाई करना है, अभी फंक्शंस आपको आगे हम बहुत डिटेल में बताने वाले हैं, एरो फंक्शन और बेसिक फंक्शन, कितने तरीके से फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विद रिटर्न कीवर्ड, ऐसे बहुत सारा बहुत डिटेल में हम लोग आगे फंक्शन देखने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं इवेंट हैंडलिंग फंक्शन से अवेयर कराऊं ताकि हम लोग बहुत सारी चीजें आगे देख सकें। तो फंक्शन का आप यूज एक बार देख लोगे, एक बार फंक्शन बनाना देख लोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट और इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आप फंक्शन बनाओगे तो इवेंट भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। अभी तो अभी के लिए देखो ये कोड हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हम इस पे ये CSS कब अप्लाई करना चाहते हैं, ये बताओ कि ये इतना कोड तो आप CSS से भी कर सकते थे, यानी कि पेज रन करते तो आपका ये CSS ये सेम काम आप CSS से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने जावास्क्रिप्ट से किया है। लेकिन मुझे अब रिक्वायरमेंट ऐसा है कि जब मैं एक बटन बनाऊं या इसी H1 टैग पे जब मैं क्लिक करूं तब ये CSS अप्लाई हो, मुझे CSS कब अप्लाई करना है, ये CSS जो दिख रहा है मुझे, ये लोड इवेंट पे अप्लाई हुआ है, मुझे कब अप्लाई करना है, जब इस पे आप क्लिक करो तब अप्लाई करना है। तो देखो, तो आगे मैं आपको बताऊंगा, फंक्शन पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो देखो हमें क्या करना है कि इस कोड को तब अप्लाई करना है जब आप H1 टैग पे इसी पे जब क्लिक करो तब अप्लाई करना है। माउस ले जाने पे करना था तो CSS में आप HOR का यूज करते थे, यानी कि सेलेक्टर कॉलन HOR कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप CSS की प्रॉपर्टी वैल्यू आप डिफाइन कर देते थे, अप्लाई हो जाता था। लेकिन मुझे अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि इसी H1 पे क्लिक करने पे ये CSS अप्लाई हो तो क्या करोगे। तो देखो अब मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा फंक्शन बनाना, आगे मैं बता रहा हूँ कि फंक्शन आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन एक बार अवेयर मैं आपको फंक्शन से कराऊं। तो देखो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड विच इज यूज टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। कहने का मतलब यह है कि फंक्शन यूज क्यों करते हैं, फंक्शन यूज इसलिए करते हैं कि सेम टाइप का कोड आपको बार बार करना है, सेम टाइप का कोड आपको मल्टीपल टाइम करना है तो आप उस कोड को क्या कर सकते हो, एक फंक्शन के अंदर रख सकते हो और जितने बार जरूरत होगी आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। कौन से कीवर्ड का, ये जरूरी नहीं है, अभी फैट एरो फंक्शन देखोगे तो बिना फंक्शन के भी फंक्शन बना सकते हो, आप केवल ऐसे बनाओगे और एरो यूज कर लोगे फंक्शन बन जाएगा। तो आगे मैं आपको फैट एरो फंक्शन बताऊंगा, फंक्शन के लिए अभी फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। मैंने बताया था कि फंक्शन का नेम, जो नेम आप यूज कर रहे हो वो भी आइडेंटिफायर है, और आइडेंटिफायर बनाने का रूल क्या होगा कि वो नंबर नहीं हो सकता, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, उसके नेम के बीच में स्पेस नहीं हो सकता, स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, क्या हो सकता है वो हो सकता है अल्फाबेट या अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज किया, फंक्शन क्रिएट करने के लिए देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, मैंने यूज किया फंक्शन और फंक्शन का नाम दे दिया डेमो। फंक्शन का ब्लॉक बनाने के लिए फंक्शन है तो फंक्शन की पहचान कैसे है, उसके पैरेंथेसिस पे फंक्शन होगा तो फंक्शन के नेम के बाद आपको पैरेंथेसिस यूज करना कंपलसरी होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने बनाया और इसके अंदर क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि इस कोड को आप जितने टाइम यूज करना चाहते हो इसके अंदर मान लो मल्टीपल लाइन का कोड है और इसको मल्टीपल टाइम यूज करना चाहते हो, जितने टाइम यूज करना चाहते हो आपको उतना कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप केवल फंक्शन को कॉल करोगे और वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ देखो, तो ये हमने फंक्शन बनाया तो इसको आप ले जाइए, ये कोड इसके कोड को एग्जीक्यूट करना है। मैं अभी फंक्शन टॉपिक देखो इतना ही नहीं है, मैं आगे आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ इसके लिए,
मैं बस आपको ऐसा एक हिंट दे रहा हूँ कि कैसे आप इसको यूज करोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम दे दिया डेमो, और इसका ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ब्लॉक बनाना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे कर दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका ब्लॉक बना दिया, यानी कि जो भी कोड होगा ब्लॉक आपको जो भी कोड होगा इसके अंदर आप करोगे। अब देखो ये कोड आपका पहले तो एग्जीक्यूट हो रहा था लेकिन अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहले कोड ये एग्जीक्यूट हो रहा था लेकिन अब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। वॉइस नहीं आ रही, क्या वॉइस नहीं आ रही है? क्या वॉइस नहीं आ रही है? क्या आ रही है ना? ठीक है, वॉइस आ रही है। चलो तो अब देखो पहले कोड तो एग्जीक्यूट हो रहा था लेकिन अब कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, इसको आपने इसको फंक्शन के अंदर रख दिया, और फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करोगे, फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करोगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपने इसको यानी कि कोड को फंक्शन के अंदर रख दिया है तो फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करोगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन को आप डायरेक्टली कॉल करने के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, फंक्शन का नेम यूज करोगे। फंक्शन की कॉलिंग कैसे होगी? यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने के लिए दो तरीके हैं। आप लोड इवेंट पे पेज के लोड होने पे फंक्शन को कॉल करना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन का नेम यूज कर लीजिए, या तो आप फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को कॉल करने के लिए इवेंट हैंडलिंग का यूज किया जाता है, यानी कि बहुत सारे इवेंट्स हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को कॉल करने के लिए बहुत सारे इवेंट्स यूज करोगे। जैसे हम चाहते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, देखो यहाँ पे हम पेज के लोड होने पे फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो फंक्शन का जब भी फंक्शन को कॉल करना होगा, जब भी फंक्शन को कॉल करना होगा तो उसका नाम यूज करोगे, और फंक्शन की पहचान क्या है, उसके पैरेंथेसिस से, है ना। अगर वेरिएबल होगा तो डायरेक्ट ये होगा, लेकिन फंक्शन की पहचान उसके उसके किससे, पैरेंथेसिस से, यानी कि फंक्शन की कॉलिंग होगी तो आपको ये नहीं भूलना है। हमने डेमो किया, हमने डेमो फंक्शन को कॉल किया, हमने डेमो फंक्शन को कॉल किया, रन कराया, देखो फिर से ये कोड आ गया, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट अभी भी फुलफिल नहीं हुआ है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या था? हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि जब इस पे क्लिक करो, जब इस पे क्लिक करो तब आपका ये इस पे CSS अप्लाई होना चाहिए। तो देखो, तो मैंने बताया कि फंक्शन को लोड इवेंट पे कॉल करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, या बॉडी में ऑन लोड इवेंट होता है। फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा इवेंट है। आप फंक्शन के कोड को पेज के लोड होने पे कॉल करना चाहते हो, ऑन लोड इवेंट है। ये सारे इवेंट आपको आगे मैं लिखवाऊंगा भी, बताऊंगा भी। फंक्शन के कोड को बटन के या किसी के डबल क्लिक करने पे कॉल करना है तो ऑन DBL क्लिक इवेंट है। फंक्शन के कोड को आप क्लिक करने पे कॉल करना चाहते हो तो ऑन क्लिक इवेंट है। फंक्शन के कोड को माउस ले जाने पे कॉल करना चाहते हो, ऑन माउस ओवर इवेंट है। फंक्शन के कोड को माउस हटाने पे कॉल करना चाहते हो, ऑन माउस आउट या ऑन माउस लीव इवेंट है। फंक्शन के कोड को आप चाहते हो टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी टाइप करें, की प्रेस होते ही फंक्शन कॉल हो जाए, तो आप उसके लिए ऑन की प्रेस इवेंट देखोगे। आप की जो भी टेक्स्ट बॉक्स है की प्रेस होने के बाद फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, यानी कि प्रेस करने के बाद अप करने पे आप फंक्शन के कोड को कॉल करना चाहते हो तो ऑन की अप इवेंट है। आप टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री लेने पे फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, ऑन फोकस फंक्शन यानी कि जब टेक्स्ट बॉक्स से एग्जिट होते हो तो फंक्शन को कॉल करना है तो आप ऑन, ठीक है, तो ऑन ब्लर इवेंट। ऐसे बहुत सारे इवेंट हम लोग आगे देखने वाले हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट के चेंज होने पे वैल्यू को आपको फंक्शन को कॉल करना है, यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के वैल्यू को चेंज करो तो आप फंक्शन को कॉल करना चाहते हो तो उसके लिए ऑन चेंज इवेंट है। ऐसे बहुत सारे इवेंट है, लेकिन हमें फंक्शन को ये CSS ये जो कोड लिखा गया है ये हमें डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। कब अप्लाई करना है हमें, कब अप्लाई करना है हमें, कब अप्लाई करना है, क्या करना है कि ये कोड हमें कब एग्जीक्यूट करना है, ये कोड कब एग्जीक्यूट करना है। अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मैंने कॉल किया था हटा दिया, मैंने कॉल किया था हटा दिया। हमें कब एग्जीक्यूट करना है, जब इस H1 पे आप क्लिक करो, ये H1 पे जब क्लिक करो तो हमने कर लिया ऑन क्लिक इवेंट। बटन के क्लिक करने पे आपको कॉल करना है तो कौन सा इवेंट है, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक इक्वल फंक्शन का नाम क्या है, डेमो। क्या सही है, फंक्शन कॉल होगा कि नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है बताओ। पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा, देखो क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो पैरेंथेसिस यूज करोगे। मैंने रन कराया, ठीक है, मैंने रन कराया, क्या करना पड़ेगा अभी भी, क्या करना पड़ेगा, जब आपने ये फंक्शन को कब कॉल किया है, ऑन क्लिक इवेंट पे, H1 के ऑन क्लिक पे, मैंने H1 पे क्लिक किया, अप्लाई हुआ, मैंने हटाया, मैंने जब H1 पे क्लिक करोगे तो ये CSS अप्लाई हो जाएगा। जब H1 पे क्लिक करोगे ये CSS अप्लाई हो जाएगा। मुझे क्या जरूरी है H1 पे, आप कुछ भी बना सकते हो, किसी भी टैग पे क्लिक करने पे आप उस पे CSS अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बनाया, मैंने एक बटन टैग बना दिया, बटन और बटन की क्लोजिंग, बटन और मैंने बटन बटन की क्लोजिंग, मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिख दिया सेट स्टाइल, मैंने लिख दिया सेट स्टाइल, ठीक है, सेट स्टाइल। और इस बटन पे क्लिक करने पे आप इस पे CSS अप्लाई करना चाहते हो, मैंने इसको हटा दिया, इस पे भी कर सकते हो, दोनों पे क्लिक करने पे CSS अप्लाई होगा। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि जब बटन पे क्लिक करो तब इसका CSS, तब इस पे CSS अप्लाई करना है। तो क्लिक किया, अभी अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने जिस पे क्लिक करने पे करना है आप उसके ऑन क्लिक पे कर सकते हो। लेकिन हम चाहते हैं कि बटन पे डबल क्लिक करने पे CSS अप्लाई हो तो क्या करोगे, तो मैंने अभी उसके लिए बताया ऑन DBL क्लिक इवेंट।
ऑन डीबीएल क्लिक इक्वल इक्वल फंक्शन का नाम क्या, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है डेमो, ठीक है, फंक्शन का नाम है डेमो, कौन सा इवेंट है, ऑन डीबीएल क्लिक। अब ये फंक्शन ये सीएसएस कब अप्लाई होगा भाई, अब ये सीएसएस कब अप्लाई होगा, एक बार क्लिक किया अप्लाई नहीं हुआ, एक बार क्लिक किया अप्लाई नहीं हुआ, एक बार क्लिक किया अप्लाई नहीं हुआ, फास्टली दो बार क्लिक करोगे तो अप्लाई होगा, है ना, यानी कि एक बार क्लिक करने से ये सीएसएस अप्लाई नहीं होगा, जब दो बार क्लिक करोगे तो अप्लाई होगा, और दो बार आपको तुरंत तुरंत क्लिक करना होगा तो अप्लाई होगा। तो क्लियर हुआ, इतना समझ में आया कि आपको आप सीएसएस जावास्क्रिप्ट का यूज करके कैसे सीएसएस लगाते हो, बताओ भाई।